यहां हमारा पहला पड़ाव था कांग्रेस का दफ्तर, जहां प्रियंका की एंट्री को लेकर खासी गहमा गहमी है। दरअसल रायबरेली हमेशा से ही कांग्रेस का पावर हाउस रहा है। नेहरू गांधी परिवार के कई सदस्य इस सीट से सांसद रह चुके हैं। 1952 और 57 में फिरोज गांधी रायबरेली से सांसद रहे। 1967 से 1977 तक दो बार इंदिरा गांधी रायबरेली से सांसद चुनी गई। कांग्रेस ये सीट पहली बार 1977 में हारी, जब देश भर में इमरजेंसी के बाद कांग्रेस विरोधी लहर चली थी। 1977 के लोकसभा चुनाव में राज नारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। हालांकि 1980 में रायबरेली के लोगों ने इंदिरा गांधी को तीसरी बार अपना सांसद चुन लिया। इसके अलावा कांग्रेस ने 1996 और 98 में रायबरेली की सीट गंवाई थी। 1999 के बाद से सोनिया गांधी लगातार यहां से जीतती चली आ रही हैं। अमेठी की तरह ही हमने रायबरेली में भी युवाओं की राय जानने पर जोर दिया। हमारा अगला पड़ाव था रायबरेली का कौशल विकास केंद्र, जहां जिंदगी का हुनर सीख रहे युवाओं के बीजेपी बनाम कांग्रेस पर अपने अपने मत हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर किया है और कोई पार्टी कर नहीं सकती, और डिस्ट्रिक्ट में इतना एजुकेशन के लेवल पे इतना काम नहीं हुआ है। जितने इंस्टीट्यूशन, इतने बड़े बड़े नेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर हैं, जो और किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। 55 साल में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। 55 महीने में मोदी जी ने बहुत विकास किया, बीजेपी ने बहुत विकास किया। 55 साल में जो कांग्रेस ने किया उसका नतीजा उसने 2014 में भुगता था। और रायबरेली में जो भी विकास है, आज तक जो भी कुछ किया गया वो कांग्रेस के द्वारा किया गया है। चाहे अमेठी हो या रायबरेली, वोटर आज ये नहीं देखता सोनिया गांधी है या राहुल गांधी। वोटर सिर्फ ये देखता है कि उसके हित में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है।